Jain guys, welcome back on Yo Hunger and today again, like always, we are in GDA Tower. क्यों हम यहाँ पे, इसका एक रीजन है obviously, एक तो आपको वीडियो दिखानी है और दूसरा रीजन ये कि यहाँ पे एक नया आउटलेट खुला है. काफी नया नहीं क्योंकि कुछ पुराना तो हो चुका है. अगर आप GDA आते हैं रेगुलरली तो आप जानते होंगे इस जगह को. इस जगह का नाम जो कि फूड लवर्स है. GDA टावर में आप एंटर करेंगे तो अगर आप एंटर कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड वाले पोर्शन में CHP ऑब्वियसली जानते होंगे उसी के पास. तो फूड लवर्स ईटिंग हाउस विद द कुजीन्स साउथ इंडियन, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल. बहुत सारे आउटलेट्स हैं बट इस जगह के हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं उसका एक रीजन है. रीजन ये है कि बहुत सारे इनके मेन्यू हम पढ़ रहे थे और बहुत सारी ऐसी डिशेस दिखाई दी जो कि कहीं मिलती ही नहीं है गोरखपुर में. लाइक दे आर लिटरली एक्सक्लूसिव डिशेस एंड दैट्स व्हाई वी थॉट कि ये एक्सक्लूसिव जगहों के बारे में, इन एक्सक्लूसिव चीजों के बारे में आपको भी जानना चाहिए. सो कम ऑन, लेट्स हैव अ लुक व्हाट द थिंग्स दे हैव ड्यू टू व्हिच वी आर शोइंग दिस वीडियो टू यू. ओके, तो सबसे पहले बात करें इस जगह के मेन्यू की. नाम आपने देखा, फूड लवर्स ईटिंग हाउस. तो एक बात मैं बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग इस जगह के बारे में कि पहले ये जो जगह जब स्टार्ट हुई थी इट वाज जस्ट प्योर वेज रेस्टोरेंट. मतलब सिर्फ वेज यहाँ पे खाने मिलते थे. बट जब शुरू होने के बाद लोगों को इतना पसंद है इनका टेस्ट या इनके सर्विंग का तरीका, इन्होंने अल्टीमेटली डिमांड कर करके यहाँ पे नॉनवेज शुरू करा दिया. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे क्योंकि वेज से शुरू होकर ओरिएंटेशन वेज नॉनवेज दोनों में हो गया. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस दैट पीपल लाइक देयर क्वालिटी. तो ये है, जनता कुछ भी करा सकती है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द प्राइसेस, तो प्राइसेस के मामले में इट्स जस्ट अ डिसेंट प्लेस. लाइक ऑलमोस्ट 70-80 रुपए से लेके 200 तक में आपको सारे डिशेस मिल जाएंगी. दिस इज द रेंज. उससे सस्ती भी है. नूडल्स अगर आप खा रहे हो तो 50 रुपए 60 रुपए में भी है. सो रेंजिंग फ्रॉम 50 to 200 में सब कुछ है. वो रीजन जिसकी वजह से हम बेसिकली ये वीडियो बना रहे हैं कि इनकी एक्सक्लूसिव चीजें कुछ थी जो कि सिर्फ इनके वहां मिलती हैं और शहर में कहीं और नहीं मिलती. ये एक मोमोज बनाते हैं जिसका नाम है गार्लिक मोमोज. गार्लिक मोमोज मैं आपको दिखाऊं, ये सामने मेरे रखा हुआ है. दीज आर द गार्लिक मोमोज एंड दिस टाइम इट्स वेज मोमोज बिकॉज ऑफ द बर्ड फ्लू थिंग वी हैव. तो हम भी बचाते हैं कभी कभी, इसीलिए देख रहा हूँ. मटन की वीडियो आपको दिखाया था, चिकन की नहीं दिखाया. तो गार्लिक मोमोज की खासियत ये है कि ये ऑब्वियसली गार्लिक बेस्ड मोमोज है. दूसरी चीज, गार्लिक नान खाते हैं, काइंड ऑफ इंस्पायर्ड टू दैट. दूसरी चीज ये कि these are completely veg and these are exclusive. इसके बाद से कीमा पाव इनके वहाँ का एक बार हमने ट्राई किया था. आपको शायद इधर कहीं फोटोज देखने को मिल जाएंगी. तो कीमा पाव हमने कुछ दिनों पहले खाया था. पेजेस पे आप हमारे देखेंगे, मेरे foodpremi.in ऑन इंस्टाग्राम या मेरे साथ हैं गोरखपुरफूड्स, इनके किसी के पेज पे अगर आप ये देखेंगे तो आपको इसकी पोस्ट दिखाई दे जाएगी कीमा पाव की. बहुत अच्छी डिश थी. और एक चीज अच्छी लगी मुझे कि ये कॉन्फ्लुएंस एक लेके आ रहे हैं ऑफ कुजीन्स. लाइक इनके पास भूटानी मोमोज हैं, कीमा पाव है विच इज बेसिकली एंड मराठी काइंड ऑफ डिश. फिर इसके बाद से चाइनीज है, कॉन्टिनेंटल है. तो ओवरऑल एक कॉन्फ्लुएंस इन्होंने क्रिएट किया है जो कि मुझे बहुत पसंद आया. अगेन, भूटानी मोमोज वाज वन ऑफ द एक्सक्लूसिव थिंग्स. और एक्सक्लूसिविसिटी की बात करेंगे तो उसी में इंक्लूड होता है ये डिश जो कि अभी मेरे सामने है जिसका नाम है चीजी ट्राइंगल्स. कहीं आज तक मुझे नहीं मिला गोरखपुर में, इस जगह को छोड़ के आपको कहीं भी चीजी ट्राइंगल्स नहीं मिलेंगे. प्राइस इनकी मैं बताऊं तो वही 120 के ये मोमोज और 130 या 40 का ये ट्राइंगल, चीजी ट्राइंगल 150. ओके, तो 150 का ये चीजी ट्राइंगल एक्सक्लूसिव है ऑब्वियसली. टेस्ट कैसा है ये हम आपको बाद में बताते हैं, लेकिन क्वालिटी की कहानी हमने आपको शुरू में ही सुना दिया. अगेन, उसके साथ हमने ये चिली पोटैटो, हनी चिली पोटैटो ऑर्डर किया. शुभम को बहुत पसंद आती है ये, तो इट वाज हिज पिक. इट इज ऑल्सो समवट अराउंड 120-130 रुपीस. ओके, सो अभी करेंगे अपना फेवरेट काम जो कि ऑब्वियसली आपको पता है. सो शुरुआत करेंगे इसके लिए इस हनी चिली पोटैटो से. So this is honey chili potato of here. One thing I will tell, but just by look, कि it looks too crispy here. मतलब crispiness की बात हो तो देखने से ही पता चल जा रहा है बहुत crispy है. that's good in taste obviously. खाते हैं फिर बताते हैं, पहले एक बार सारा टेस्ट करते हैं फिर बताऊंगा कैसा है। So this is that legendary garlic momos which you won't get anywhere else. So let's try it. Dip, dip, and dump. So just have a look at its filling once. देखने में बहुत से स्पाइसी, काफी फिल्ड मोमोज, और ऑब्वियसली चूंकि ये गार्लिक मोमोज है तो गार्लिक की प्रोमिनेंसी बहुत अच्छी है। और टेस्ट में वी आर सर्चिंग फॉर अ मोमो व्हिच कैरी सम देसी टेस्ट अलॉन्ग विद इट। दिस इज द मोमो फॉर यू, जस्ट हैव अ ट्राई। अभी उस डिश की बात करेंगे जो कि एक्सक्लूसिव तो है ही, इसके साथ साथ ओनर का ये कहना था ये उनकी खुद की इजाद की हुई डिश है। दीज चीजी ट्राइंगल्स है क्या इसमें, टू हैव अ लुक फर्स्ट लेट्स ब्रेक देम डाउन। तो काफ़ी सारा कॉर्न और चीज़ ऑब्वियसली, तो दो चीज़ें दिख रही हैं, एक कॉर्न और एक चीज़। कॉर्न का नाम नहीं था बट देखते हैं। वाओ, It's too good, man. Literally too good. मकैन खाते हो आप? मकैन चीज़ी पोटैटो, तो its taste is kind similar to that, but with a twist of corn into it. अगर नहीं खाया मकैन का चीज़ी पोटैटो तो कभी ट्राई करना, इट्स सिमिलर टू दैट और टेस्ट में बहुत बहुत अच्छा। सो ये यहाँ आना तो ज़रूर से ट्राई करना क्योंकि अलग चीज़ मिलेगी रेगुलर से हटके। अगर आप वेज खाने वाले हैं, वेज में स्पाइसी चीज़ें ढूंढ रहे हैं तो ये गार्लिक मोमोज आपके लिए हैं। और ऑब्वियसली इफ़ यू आर विलिंग टू ईट सम गुड हनी चिली पोटैटो एंड फूड लवर इज़ देयर फॉर यू विद दिस थिंग। ओवरऑल मेरे हिसाब में बहुत बढ़िया जगह, प्राइस के हिसाब से भी, टेस्ट के हिसाब से भी, और क्वांटिटी तो ऑब्वियसली आप देख रहे होंगे क्वांटिटी क्या है मेरे सामने, तो क्वांटिटी के भी हिसाब से। एक चीज़ हम आपके लिए करेंगे और जो करेंगे वो मैं नहीं बताऊंगा, ओनर को बुलाते हैं, ही विल टेल यू। Okay, so here we have owner of the outlet with us, सागर भाई है हमारे साथ। हेलो बोलिए सबको। हेलो। ये आना GDA में तो सर्च फॉर हिम, ओके। और क्यों सर्च करेंगे आप ये मैं बताऊं। फर्स्ट ऑफ ऑल भैया लिटरली बहुत अच्छा टेस्ट कैरी कर रहा है, स्पेशली आपका ये जो क्या था ये चीज़ ट्रायंगल्स। अच्छा इसकी शेप ट्रायंगल तो नहीं है लेकिन नाम हो गया चीज़ ट्रायंगल। थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा बहुत ऐसे स्क्वायर हो जाता है। और बाकी दिस जेंटलमैन कैरीज वेरी वेरी गुड स्माइल, मतलब बहुत अच्छी एलिगेंट स्माइल है आपकी भैया। ये मैं पूछना चाहूँगा कुछ आप ऑफर के बारे में बात कर रहे थे लोगों के। हाँ सर, मैं 10% का ऑफर दे सकता हूँ। ओके, बेसिकली यो हंगर के जो ऑडियंस हैं उनके लिए अभी वीडियो जिस भी डेट को आई है, इस डेट पे वीडियो देखने के बाद अगले 15 दिन तक अगर आप फूड लवर्स पे आते हैं तो भैया आपको 10% का ऑफ देंगे। हाँ भैया, हर एक डिश पे एग्री कर रहे हैं? या। और बाकी वो कोल्ड ड्रिंक नहीं इंक्लूडेड है। कोल्ड ड्रिंक नहीं इंक्लूडेड है, लेकिन बाकी जो भी डिशेज इनके वहाँ बनती हैं उन सारी चीज़ों पे आपको फ्लैट 10% का ऑफ मिलेगा। चलिए भैया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस एंड ये बहुत अच्छा था। थैंक यू सर। सो कुछ और बोलना चाहेंगे आप हमारे लोगों से? सर अभी तो नई ओपनिंग हुई है, मैं कहना चाहता हूँ कि हर कस्टमर को एक बार टेस्ट करके जरूर देखना चाहिए। हाँ बिल्कुल देखना चाहिए, कि इससे सेक्रीफाइस ये होता है कि कस्टमर को टेस्ट पता चले कि GDA में मतलब कि नई ओपनिंग हुई है फूड लवर्स की। हर एक आदमी को मौका मिलना चाहिए। सही बात है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार ट्राई करिएगा जरूर। एग्जैक्टली, और मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार ट्राई कीजिएगा जरूर। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम द फूड लवर्स। इफ यू आर हियर इन GDA कॉम्प्लेक्स, just give a try to this place. मैंने बताया ना हर तरीके से काफी सही डील रहेगी आपके लिए और 10% ऑफ भी मिल रहा है, आप क्या ही चाहते हो जान लोगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर कीजिए और लोगों को जानना चाहिए, आपको लगता हो तो शेयर सब्सक्राइब करना है। मुझे आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे @foodpremi.in और कैमरा के पीछे मेरे साथ हैं गोरखपुर फूड्स। तो मिलते हैं किसी और नई जगह पे, तब तक के लिए जय। थैंक यू सर।